हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके साथ में मेरा मेकअप शेयर करने वाली हूँ। मेरी सिस्टर की वेडिंग नहीं, गोद भराई थी, तो उसके लिए मुझे रेडी होना था। एक्चुअली मुझे उसका भी मेकअप करने जाना था, इसलिए मैं बहुत जल्दी, बहुत स्पीडली मैं रेडी होने वाली हूँ। तो वही वीडियो मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने रोज़ वाटर फेस पर स्प्रे कर लिया है। रोज़ वाटर स्प्रे करने से क्या है ना, आपके जो फेस के पोर्स है वो बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने रोज़ वाटर को अच्छे से स्प्रे कर लिया है और उसे फिर चेहरे पर सूखने के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद में मैं लिप बाम यहाँ पर लगा लूँगी लिप्स पर। लिपस्टिक लगाने से पहले ना लिप बाम अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोपहर का फंक्शन था, मुझे 4 बजे से पहले जाना था, तो यहाँ पर मैं सनस्क्रीन मामा अर्थ की यूज़ कर रही हूँ। गर्मी के दिनों में ना सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये तो सभी को पता है। इसके बाद में यहाँ पर मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर प्राइमर प्लस मॉइस्चराइज़र है यहाँ इसमें, तो मॉइस्चराइज़र मैं लगाऊंगी नहीं, तो एक ही प्रोडक्ट में दोनों काम मेरे हो जाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ और ये बीबी क्रीम ना काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा कवरेज आपको दे देती है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं मेरे हर फंक्शन में ये बीबी क्रीम लगाना पसंद करती हूँ। सो गाइज, यहाँ पर ना मैं इसे डॉट डॉट फॉर्म में लगा लूँगी और फिर हाथों की ही हेल्प से मैं इसे फैला दूँगी अच्छे से। तो इसे आप देख सकते हैं, मैंने फेस पर भी अप्लाई किया और बचा हुआ जो भी प्रोडक्ट था उसे मैं अपने नेक पर भी अप्लाई कर दूँगी। आपको नेक और अपने कानों पर भी अप्लाई करना है प्रोडक्ट्स को, जिसके कारण जो है ना आपका फेस और आपका गला अलग ना दिखना चाहिए और सेम टू सेम लगना चाहिए। सो गाइज, बहुत ही स्पीडली मैं यहाँ पर रेडी हो रही थी और इशिन सो चुका था, तो इसलिए मैं वीडियो बनाने के लिए भी रेडी थी। तो फिर उसके बाद मैं अच्छे से रेडी हो जाऊँगी। सो गाइज, यहाँ पर मैं हाथों की हेल्प से अच्छे से प्रोडक्ट को ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने, ना ही यहाँ पर ब्लेंडर यूज़ किया है, ना ही कुछ, हाथों की हेल्प से मैंने इसे ब्लेंड कर दिया है। इसके बाद में ना ये मैंने लिप ग्लॉस लिया था, तो इसे मैं एज अ ब्लश भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा ही प्रोडक्ट लो ना, अच्छा पिगमेंटेशन देती है। मैं अगर थोड़े देर के लिए भी कहीं बाहर जा रही हूँ तो मैं इसे अप्लाई करके चली जाती हूँ, ये बहुत ही नेचुरल सा लुक देती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, ऐसे ना मेकअप हैक्स आपके काम में ज़रूर आएंगे, तो आप ज़रूर इसे ट्राई करके देखिए। इसके बाद में मैं ये लैक्मे का फेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जिसकी इशिन ने पूरी तोड़ के बराबर कर दिया है। अब मुझे नया लेना पड़ेगा, पर जब तक नहीं है तब तक इसी से काम चलाओ भाई। तो ये मैं यूज़ कर लूँगी अपने पूरे फेस पर, नेक पर और ईयर पर मैं अच्छे से इसे लगा लूँगी। इसके बाद में ना मैंने लाइट ब्लू कलर का, जो आप स्काई ब्लू बोलते हैं, वो मैंने आई शेडो लिया है और अपने आउटर वी पर मैं लगा लूँगी। फिंगर की हेल्प से कर रही हूँ, क्योंकि अभी ब्लश निकालो, ब्रश से ब्लेंड करो ये सब नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी थी, तो उसी से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। और अपने इनर कॉर्नर्स में ना मैं लाइट पिंक कलर मैंने ले लिया है और उसे मैं लगा लूँगी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये आई मेकअप भी। और इसके बाद में ना आप ज़रूर सेटिंग स्प्रे से आपको अपने मेकअप को सेट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्मी का दिन है, पूरा मेकअप निकल जाएगा, इसलिए आप इस तरीके से कर लीजिए। और जब तक मेरा स्प्रे अच्छे से फेस पर सेट होता है तब तक मैं अपनी हेयर स्टाइल बना लूँगी। कोई ही ज़्यादा तामझाम नहीं किया मैंने हेयर स्टाइल बनाने के लिए भी, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही अच्छा सा मैंने हेयर स्टाइल बना लिया। दोनों तरफ से मैंने थोड़े से बैंग्स निकाल लिए हैं। अब इसे मैं जो पीछे का साइड है उसे मैं बस थोड़े थोड़े लेकर मैं उसे रोटेट करते जाऊंगी और इस तरीके से मैं हेयर स्टाइल बना लूँगी। तो काफ़ी अच्छी लग रही थी ये हेयर स्टाइल भी, तो आपको ज़रूर पसंद आएंगी, तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइए आपको मेरा ये हेयर स्टाइल और मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा है। तो इस तरीके से मैं दोनों साइड में कर लूँगी और इसे पिन से सिक्योर कर लूँगी ताकि ये खुले ना, और आपको सामने से थोड़ा सा हेयर को निकाल लेने हैं ताकि ये अच्छा लगे। और मुझे इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था, कूलर भी चालू था, फिर भी बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। गर्मियों में ऐसा होता ही है। और मैं कैसे, एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्विकली मैं नहा के निकली और क्विकली मेकअप करने लगी, तो ऐसा पसीना आना तो नॉर्मल है। फिर दूसरे बार तो गड़बड़ होनी ही थी, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी कर रही थी मैं, इतना मैंने 10 मिनट में मैं रेडी हो गई मेरा पूरा मेकअप करके।
तो यहाँ पर मेरा आईलाइनर का गड़बड़ हो गया है, आईलाइनर मेरा फैल गया था एक्चुअली, गलत जगह पे लग गया है, तो ये देख सकते हैं आप। अब उसे मिटाना तो ज़रूर पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने वेट वाइप ले लिए हैं और वेट वाइप की हेल्प से मैं इसे निकाल लूँगी। तो जल से निकल भी गया था, इतनी ज़्यादा मुझे निकालने में प्रॉब्लम नहीं हुई थी और ज़्यादा फैला भी नहीं था। तो इस तरीके से मेरा आईलाइनर भी लग गया है। अब मैंने ये ब्लश लिया था गाइस, ये ब्लश मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी सुंदर लग रहा था ये ब्लश, आपने देखा भी होगा। और इसमें ना थोड़े से हाइलाइटर के पार्टिकल्स भी थे, पर फिर भी मैं हाइलाइटर लगाना पसंद करती हूँ तो मैंने हाइलाइटर भी लगा लिया है। फंक्शन में थोड़ा सा आपका फेस शाइन मारे ना तो बहुत ही अलग सा लुक लगता है, तो मैं हाइलाइटर भी लगा लूँगी। अपने ब्राउ बोन्स पर भी मैंने हाइलाइटर लगा लिया, जहाँ पर भी मेरे हाइलाइट पॉइंट्स थे मैंने हाइलाइटर लगा लिया है। तो इसके बाद में ना मैंने बहुत ही सुंदर सा ड्रेस पहना था, काफ़ी अच्छा लग रहा था और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल गया था। अगर आपको मेरे ड्रेसेस कलेक्शन देखना है तो आप मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइए, वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो इसके बाद में मैंने ब्राउज को अपने फिल कर लिया है ब्राउ पेंसिल की हेल्प से। फिर इसके बाद में मैं आईलैश कर्लर यूज़ कर रही हूँ अपने लैशेस को कर्ल करने के लिए, और काफ़ी अच्छे से लैशेस कर्ल हो गए थे। इसके बाद में मैं मस्कारा यूज़ करूँगी, मस्कारा मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये अच्छा सा आपके लैशेस को ना उभार कर दिखाता है, तो मुझे ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये लिप शेड मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑलमोस्ट ख़त्म होने पर आ गया है, मुझे नया शेड लेना है, पर फिर भी मैं इसे ही चलाऊँगी और अच्छे से मैं इसे लगा लूँगी। तो इसके बाद में ना मैं बिंदी लगा लूँगी, बहुत ही छोटी सी मैंने बिंदी लगाई, मुझे छोटी बिंदी पसंद है। इसके बाद में ये ड्रेस के साथ मैच होने वाले इयर रिंग्स मैंने पहन लिए हैं। फिर इसके बाद में अपना जो मंगलसूत्र है वो पहन लूँगी मैं, और इस तरीके से मैं अपने लुक को रेडी कर लूँगी। ये इस तरीके से मेरा लुक कम्प्लीट हो चुका है, दुपट्टा ले लिया है और ये मेरे ब्यूटी शॉर्ट्स भी हो गए हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।